अगर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर, सिंगर या कोई भी इंडिपेंडेंट म्यूजिकल आर्टिस्ट हो और आप अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और आपको नहीं पता कि म्यूजिक पब्लिशिंग क्या होती है, म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, कौन कौन से म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और ये हमें क्यों करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको हल्की सी दे देता हूं कि इस वीडियो सीरीज में मैं म्यूजिक बिजनेस के बारे में वो सारी डिटेल्स, वो सारे सीक्रेट्स रिवील करता हूं, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में वो सारी बातें बताता हूं जो और कहीं कोई नहीं बता रहा है। इस बारे में आई डोंट नो व्हाई लोग बात ही नहीं करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी म्यूजिकल जर्नी का, क्योंकि अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट हैं बहुत पहले से या अभी बने हैं या बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं तो आपको एटलीस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप अपना करियर यहाँ पर सेटल नहीं कर पाएंगे ठीक से। आप अपना करियर एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे उस एरिया में जिसके बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो वहां पर जाकर आप एक बार टॉपिक्स चेक करिए किन किन टॉपिक्स पे वीडियोज हैं, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स हम लेकर आ रहे हैं म्यूजिक बिजनेस की और म्यूजिक इंडस्ट्री की इसके अंदर। ओके, तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑल द म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स और कौन सा म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर किससे बेटर है, किस में रजिस्टर करना चाहिए, मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है जो मैं यूज करता हूं। तो इन सबसे पहले इस पे आते हैं कि म्यूजिक पब्लिशिंग एक्चुअली में होता क्या है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि म्यूजिक पब्लिशिंग और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही चीज है, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि म्यूजिक रिलीज कर दिया आपने किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू तो वो आपका म्यूजिक पब्लिश भी हो गया, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक पब्लिशिंग में क्या डिफरेंस होता है तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल में वीडियो आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल नहीं दे पाऊंगा डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिशिंग, क्योंकि उसके लिए अलग से पूरी वीडियो है मेरी जिसके अंदर मैं ये पूरी डिटेल्स बताता हूँ। इसके अंदर हम म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में बात करेंगे, बट एक छोटी सी चीज, बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब म्यूजिक को रिलीज करना, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, iTunes, विंक, हंगामा, जियो सावन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपके म्यूजिक को पहुंचाना इस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस रिलीज म्यूजिक की रॉयल्टीज, कॉम्पोजिशन रिलेटेड रॉयल्टीज को क्लेम करना, सॉन्ग राइटर शेयर और पब्लिशर शेयर को क्लेम करना इज म्यूजिक पब्लिशिंग। आपका गाना स्पॉटिफाई पे तो कोई यूएस से भी सुनेगा, कोई इंडिया से भी सुनेगा, कोई एशिया से सुनेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से सुनेगा और कोई अफ्रीका से सुनेगा। तो हर कंट्री में आपका गाना अलग जगहों पे रजिस्टर हो प्रॉपरली, सो दैट हर कंट्री आपको वो रेवेन्यू प्रोवाइड करे जिसके आप हकदार हैं, वो म्यूजिक पब्लिशिंग होती है। इससे ज्यादा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी पब्लिशिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम अपने गाने को पब्लिश कर कैसे सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, पर अगर आप उनके बारे में भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी एक बहुत डिटेल में मैंने वीडियो निकाली है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पर मैंने सारे म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिफरेंस बताया है, कौन सा किससे बेटर है, आपके करियर में कौन से पॉइंट पे आपको किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिलीज करना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेटर है और मैं पर्सनली कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज करता हूँ, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हमारे पास है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट पब्लिशिंग अपने गानों की कैसे करें, इसके हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप खुद की म्यूजिक पब्लिशिंग एंटिटी को एस्टैब्लिश करें, उसे रजिस्टर करें, पर ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली उसके स्टार्टिंग ऑफ द करियर के फेज में। इनफैक्ट बहुत बड़ा होने के बाद भी, इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा फेमस बन जाए, आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाए, उसके बाद भी ये ऑप्शन वायबल नहीं होता है, क्योंकि म्यूजिक पब्लिशिंग एंटिटी एस्टैब्लिश करना खुद में एक डिफरेंट बिजनेस है। आपको लीगैलिटीज से, आपको पूरी दुनिया की सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने हर गाने का, और आपको लीगैलिटीज होती हैं, बहुत सारी लीगल कंप्लाइंस होते हैं, वो सारे करने पड़ेंगे, एक एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी एक नई कंपनी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, खुद से हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए फीजिबल नहीं होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन होता है जो है म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूज करना, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब है बेसिकली किसी ने ऑलरेडी मेहनत करके एक म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनी बना दी, अब वो कंपनी उन्होंने तैयार कर दिया बना के, अब वो कंपनी हर गाने को रजिस्टर करती है वर्ल्ड वाइड, आपको उस कंपनी को यूज करना है, उनकी सर्विसेज यूज करनी है अप फ्रंट थोड़े से पैसे देके, ताकि वो आपके गाने को हर जगह रजिस्टर कर दे। ये होता है म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके बिहाफ पे वर्ल्ड वाइड गाने को रजिस्टर करेंगे, उसकी रॉयल्टीज कमाएंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बेस्ट हैं अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में।
सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर है जिसकी हम बात करते हैं, जो है ट्यूनकोर पब्लिशिंग। ट्यूनकोर सबसे पहले एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है। पब्लिशिंग इनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो इन्होंने बाद में ऐड करी, पर ये डेडिकेटेड म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ट्यूनकोर सबसे पहले आपसे अपफ्रंट फीस चार्ज करता है $75 की। ये $75 फीस एक्चुअली है किस बात की, ये आपसे पहले अपफ्रंट एक फीस लेंगे जब आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद आपको दुनिया की हर सोसाइटी में जिनसे वो कनेक्टेड हैं वहां पर आपका एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपकी एस्टैब्लिशमेंट करेंगे हर जगह पे, हर कंट्री में, ताकि जब भी आप गाने उनके साथ रजिस्टर करें, आप गाने रिलीज करें, तो वो आपके गानों को वर्ल्ड वाइड रजिस्टर करके आपकी रॉयल्टीज कमा सके। इस अकाउंट को सेटअप करने के लिए वो एक स्टार्टिंग में $75 की फीस को चार्ज करते हैं। इसके बाद जब भी आप एक नया गाना रिलीज करोगे, आपको उनके पास जाके रजिस्टर करना है उस गाने को, और वो गाना हर जगह रजिस्टर करेंगे जहां पर भी उनके कनेक्शंस हैं, और वहां से रॉयल्टीज क्लेम करेंगे। उन रॉयल्टीज में से 15% कमीशन खुद रखेंगे और 85% कमीशन आपको ट्रांसफर करें। ये है ट्यूनकोर का वर्किंग, ऐसे वो काम करते हैं। और $75 देने के बाद आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको उसके बाद एक भी पैसा उन्हें खुद से नहीं देना है। अगर आपके गाने कमाएंगे रॉयल्टीज तो वो 15% रख लेंगे, अगर आपके गाने नहीं कमा रहे हैं तो आपको दोबारा किसी चीज के पैसे नहीं देने। और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर कर सकते हो एक पहली बार अपफ्रंट फीस देने के बाद। अब एक और चीज होती है सिंक लाइसेंस। मैं आपको बहुत बेसिक में बताता हूं, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बातें जाननी है तो प्लीज कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊं उसके लिए। सिंक लाइसेंसिंग का मतलब कि आपके बने हुए गाने अगर किसी कंपनी को पसंद आते हैं और वो चाहते हैं कि आपका गाना उनकी एड में, एडवर्टीजमेंट में, या उनकी वेब सीरीज में, या किसी मूवी में प्लेस हो, वहां पर आपका गाना बजाया जाए, तो फिर उस गाने को वहां प्लेस करने के लिए आपको एक सिंक लाइसेंसिंग फीस मिलती है, और आप उस कंपनी को लाइसेंस देते हो परमिशन के साथ कि आप मेरा गाना यूज कर सकते हो, बदले में आप उनसे उतनी फीस लो। अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो ट्यूनकोर ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। ट्यूनकोर कहता है कि अगर आप ट्यूनकोर के साथ सिंक लाइसेंसिंग की डील भी करते हो तो आप सिंक लाइसेंसिंग ट्यूनकोर के अलावा कहीं और से नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा नो है एक मेरे लिए, क्योंकि मैं एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि जहां मर्जी से मुझे अपॉर्चुनिटीज आए मैं वहां से जाऊं, जहां से भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले मैं वहां सिंक लाइसेंसिंग कर सकूं, मुझे ये फ्रीडम चाहिए। बट ट्यूनकोर ये प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप सिंक लाइसेंसिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो, अगर आप नहीं ऑप्ट करते तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप सिर्फ पब्लिशिंग कीजिए और एवरीथिंग एल्स इज गुड। अब ट्यूनकोर की सिंक लाइसेंसिंग के अंदर अगर आप करते हैं और लाइसेंसिंग के थ्रू जितनी भी आपकी रॉयल्टीज कलेक्ट होती हैं उसका 20% कमीशन ट्यूनकोर लेता है और 80% कमीशन आपको देता है। ये हो गया ट्यूनकोर पब्लिशिंग। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर पे जिसका नाम है सीडी बेबी प्रो। अब सीडी बेबी भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है, और अब मैं आगे आने वाले गानों को रिलीज करूंगा सीडी बेबी के थ्रू। तो सीडी बेबी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बड़ा, और पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन उनकी एक एक्स्ट्रा सर्विस है ट्यूनकोर के जैसे। सीडी बेबी प्रो मैं क्यों नहीं यूज करता और इसके क्या प्रोज और कौन से, अभी उसकी बात करते हैं। पहले इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। सीडी बेबी का पब्लिशिंग का प्राइसिंग प्लान बहुत डिफरेंट है। तो आप सीडी बेबी प्रो में क्या कर सकते हैं कि आप जैसे सीडी बेबी पे अगर गाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे ना तो वो $10 चार्ज करते हैं गाना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का पर सॉन्ग। लेकिन अगर आपको गाने की पब्लिशिंग भी करानी है तो वो पर सॉन्ग $40 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिलीज हो रही है उस टाइम के बाद में दे चार्ज $40 पर सॉन्ग एक्स्ट्रा रजिस्टर करने के लिए आपके गाने को। तो आप लगाइए कि $75 में आप ट्यूनकोर पे अनलिमिटेड गाने रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप $75 में दो गाने भी रिलीज नहीं कर पाओगे, आपको पर सॉन्ग $40 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप दो गाने डिस्ट्रीब्यूट और पब्लिश दोनों करोगे तो आपको $50 पर सॉन्ग इनको देना पड़ेगा, या पर एल्बम, व्हाटएवर इट इज। पहली बात तो इसकी फीस इतनी फीजिबल नहीं है। सेकेंड चीज, सीडी बेबी जिस सर्विस को यूज करता है आपका म्यूजिक पब्लिश करने के लिए, आप उस सर्विस पे डायरेक्टली खुद से रजिस्टर करके अपने सॉन्ग उनके थ्रू पब्लिश कर सकते हो, तो आप सीडी बेबी के थ्रू क्यों जाओगे। उसके बारे में अभी थर्ड वाले में बात करते हैं, नेक्स्ट वाला वही है। अब सीडी बेबी प्रो एक और चीज करता है कि जो भी आप उनकी रॉयल्टीज के थ्रू कमाओगे पब्लिशिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी, उसका 9% कट सीडी बेबी रखेगा, आपको 91% देगा। पहली बात तो वो आपसे पर सॉन्ग $40 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड चीज की वो आपसे 9% का कट भी ले रहे हैं और 91% रॉयल्टीज आपको दे रहे हैं। अब जिस सर्विस को ये यूज करते हैं वहां पे डायरेक्टली आप रजिस्टर कर सकते हो, जिसका नाम है सॉन्ग ट्रस्ट, और ये है मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं ये यूज करता हूँ, और ये है हमारा थर्ड म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर। जो ट्यूनकोर था, ट्यूनकोर आपका सॉन्ग 70 डिफरेंट कंट्रीज में रजिस्टर करता है वर्ल्ड वाइड, पर सॉन्ग ट्रस्ट आपका सॉन्ग
217 कंट्रीज में रजिस्टर करता है वर्ल्ड वाइड और 65 डिफरेंट सोसाइटीज से आपकी रॉयल्टी को क्लेम करता है। पहला डिफरेंस तो यही आ गया। अब फी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉन्ग ट्रस्ट आपसे फर्स्ट टाइम पे लेता है $100 रजिस्ट्रेशन फी आपका अकाउंट सेटअप करने के लिए। बट वेट फॉर इट, अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू जाओगे, जो आपको रेफरल कोड यहाँ मिल रहा है, अगर आप चेकआउट पे वो लगाओगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप $10 का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। तो 100 का $90 तो वही हो जाएगा। और अगर आप इंडिया से हो तो करीब 800-850 रुपए का फर्क है सिर्फ ये रेफरल कोड डालने से, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो $90 फर्स्ट टाइम फीस मेरे रेफरल कोड से सॉन्ग ट्रस्ट पे रजिस्टर करने के लिए। अब जब आप उसमें रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड सॉन्ग्स रजिस्टर कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो, जैसे आप ट्यून कोर पे कर सकते थे। सॉन्ग ट्रस्ट भी 15% का कमीशन लेता है जैसे ट्यून कोर लेता है। बट सॉन्ग ट्रस्ट का पॉजिटिव पॉइंट इज कि इनकी टेरिटरी ज्यादा है, ये ज्यादा कंट्रीज से आपकी रॉयल्टीज को कलेक्ट करते हैं दैन ट्यून कोर। अब सीडी बेबी से सॉन्ग ट्रस्ट बेटर क्यों है? क्योंकि सीडी बेबी सॉन्ग ट्रस्ट को ही यूज करता है पब्लिश करने के लिए आपके गाने। अब आप देखिए 15% सॉन्ग ट्रस्ट पहले काटेगा कमीशन, फिर सीडी बेबी को देगा, सीडी बेबी उसमें से 9% कमीशन काटेगा और फिर आपको देगा। तो आपकी कमीशन ज्यादा कट रही है। और जितने में आप सॉन्ग ट्रस्ट पे अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हो, उतने में आप सीडी बेबी पे सिर्फ 2.5 सॉन्ग्स रिलीज कर पाओगे। सिर्फ 2.5 गानों में आपके $100 हो जाएंगे। तो बेटर चॉइस इज सॉन्ग ट्रस्ट ऑब्वियसली, है ना। और सॉन्ग ट्रस्ट की एक और पॉजिटिव चीज़ जो मुझे ये लगती है, जैसे कि ट्यून कोर में था कि अगर आप सिंक लाइसेंसिंग ट्यून कोर के थ्रू करते हो तो आपको सारी सिंक लाइसेंसिंग अपने पूरे डिस्कोग्राफी की, हर गाने की ट्यून कोर के थ्रू ही करनी है, आप किसी और के थ्रू नहीं कर सकते। पर सॉन्ग ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। सॉन्ग ट्रस्ट में क्या है कि आप अगर पब्लिशिंग के साथ सिंक लाइसेंसिंग भी करवाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सॉन्ग की या किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप उनको बोल सकते हो प्लीज़ हैंडल माई सिंक लाइसेंसिंग डील फॉर दिस सॉन्ग इस कंपनी के साथ। तो दे विल बी हैप्पी, वो बीच में आएंगे और आपके बिहाफ पे डील क्रैक करेंगे। क्योंकि देखिए, बड़ी कंपनी से डील करना एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमें ज़्यादा नहीं आता है। हमें ये नहीं पता है कि कैसे नेगोशिएट करना है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें फर्स्ट टाइम पे चार्ज कितना करना है, कितना बजट होता है सिंक लाइसेंसिंग का, और नेगोशिएट करके एक अच्छे टर्म्स पे कैसे खत्म करना है और डील को क्रैक कैसे करना है। पर सॉन्ग ट्रस्ट जैसी कंपनीज इस चीज़ में, इनफैक्ट ट्यून कोर जैसी कंपनीज भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है। उनका काम है ये, दे नो हाउ टू डू इट, उन्हें पता है कि ये करना कैसे है। अब सॉन्ग ट्रस्ट में क्या है, आप उन्हें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बोल सकते हो और आप उनको हायर कर सकते हो अपने सिंक लाइसेंसिंग के लिए, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप उनको यूज़ करते हो किसी एक गाने के लिए फॉर सिंक लाइसेंसिंग और आप अगला गाना किसी और के थ्रू सिंक करना चाहते हो, तो वो आपको फुल फ्रीडम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके मामले में, आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो, पहली अच्छी चीज़ ये है। और अगर आप सिंक लाइसेंसिंग के थ्रू सॉन्ग ट्रस्ट को यूज़ करते हो तो उसमें से भी वो 15% कमीशन काटेंगे अपनी, और कमीशन काटने के बाद बाकी रॉयल्टीज आपको दे दी जाएंगी। 15% ही बेसिक कट है, चाहे वो सिंक लाइसेंसिंग हो, चाहे वो बेसिक पब्लिशिंग हो सॉन्ग ट्रस्ट के थ्रू। तो ये है हमारे मेन तीन मेजर म्यूजिक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स जो अभी हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अलाउ कर रहे हैं सर्व करने के लिए। आप अपफ्रंट फीस दीजिए और आप अपने गाने रजिस्टर करिए पब्लिशिंग के लिए, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसे और बहुत सारे पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। जैसे कोबाल्ट पब्लिशिंग है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपका काम चेक करेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं या नहीं। पर ये जो मैंने अभी सर्विसेज बताई, ये एट द पॉइंट हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सर्व कर रहे हैं। और इनमें से बेस्ट चॉइस अगर मेरी बात मानी जाए तो सॉन्ग ट्रस्ट है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और ये वीडियो किसी भी वे में स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा अनबायस्ड ओपिनियन है इन तीनों कंपनीज के लिए। और जो जो चीज़ें मैंने इनके बारे में पढ़ी हैं और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वो आपको डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर आपको सक्सीड होना है, आपको म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए, जो आपको अभी करनी चाहिए वो है सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो में जो मैंने कॉन्टेंट दिया वो पसंद आया, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर हफ्ते नई इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक पर लाता रहता हूँ अबाउट म्यूज़िक बिजनेस। और बहुत जल्दी म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, हर चीज़ के बारे में नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं ऑन दिस चैनल, इतनी ही डिटेल में जितनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज़र नेम आपको यहीं कहीं स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अभी हमने नया नया डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट किया अपना, जिसका नाम है गामा हेडक्वार्टर्स, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, कनेक्ट कीजिए। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सर्वर का पार्ट बनिए और कम्युनिटी का पार्ट बनिए। कनेक्शन इज़ द बेस्ट वे जो आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं अपने करियर को एक्सेलरेट करने के लिए। और अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाय मी ए कॉफ़ी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे नई नॉलेज के साथ, नई इनसाइट के साथ अगले हफ्ते।
इसी चैनल पे। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन एंड टिल देन स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक।